भाई सुबह का बज रहा है कोई तकरीबन 10 में 5 कम और लग रही है टाइट भूख और बेगम रही है सो। ये पूरे व्लॉग में आपको याद रखना है ताकि ना आप ना मैं कोई भी किसी भी किस्म का शोर ना मचाए, वरना तो आप लोगों को पता है ना कि क्या होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जल्दी से तूना पकाते हैं क्योंकि बहुत टाइट भूख लग रही है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्राइंग पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया, लेकिन तूना बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास होना चाहिए तूना, और किसी भी कंपनी का ले लें, कोई मसला नहीं है, खाना अपने ही एंड ऑफ द डे। एक टमाटर, उसके साथ हसबे ज़ायका हरी मिर्चें, प्याज अगर काटना आती हो, अगर नहीं तो वापस रख दें फ्रिज में, क्योंकि ये याद रहे कि बेगम अंदर सो रही हैं और प्याज आपको बारीक बारीक कोई भी काट के नहीं देगा, आपको खुद काटनी पड़ेगी। तो इस वजह से प्याज मेरे ख्याल से बैड आइडिया है, वापस रखते हैं। शत्ता, हॉट सॉस जिसे कहते हैं, और घर के अंदर आपके शान मसाला कोई से भी हो सब ले आए, कोई मसला नहीं है भाई, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, ले आओ। सबसे पहले आप टमाटर काट लें, और बारीक बारीक की ख्वाहिश नहीं करिएगा क्योंकि आपसे कटेंगे नहीं, जैसे भी कट रहे हैं वैसे काट लें, क्योंकि अगर आप बारीक बारीक की ख्वाहिश करेंगे तो फिर आप अपने हाथ काट लेंगे टमाटर की बजाय। हरी मिर्चें भी आप काट सकते हैं, चाहें तो बारीक बारीक अगर आपको ज़्यादा नहीं लगती, और अगर लगती हैं तो फिर नॉर्मल काट लें। और आपने अपने भाई को हल्का लिया भाई, प्याज भी काटेगा आपका भाई, ये चीज़। और बारीक बारीक की ख्वाहिश नहीं करना भाई, जैसी कट रही है देख लो। ये तीनों चीज़ें काटने के बाद हम फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल। जब आपका तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो उसके अंदर आपने डालनी है प्याज। मतलब मैं पिछले कोई 15 मिनट से चूल्हा जला के और खड़ा हुआ हूँ कि अब तेल गरम होगा, तेल गरम होगा, तेल गरम होगा, देख रहा हूँ। अब मैंने एंड में ये भी सोचा कि मैं प्याज डाल दूँ, शायद मुझे तेल गरम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जब हाथ करीब लेके गया, तेल ठंडे का ठंडा था। बड़ी कोशिश करके मैंने उसमें उंगली भी लगा ली, फिर भी ठंडा था। तो पता चला कि चूल्हे का पीछे से प्लग ही ऑफ है, कुछ भी चल रहा है, मतलब तभी तो मर्द इतनी देर में कुकिंग करते हैं। सबसे पहले अब आप इसमें डालेंगे प्याज। चलाने के लिए लकड़ी का चम्मच ले लें तो बहुत अच्छा। माशाल्लाह अभी बिल्कुल रमज़ान भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में सलमान की तैयारियां भी बड़ी ज़ोर शोर पे हैं। हमारी जो राइटर हैं मारिया खान, वो एपिसोड्स वगैरह भी लिख रही हैं। दूसरा ये कि आप लोगों के पास कोई सजेशंस हों रमज़ान विद सलमान से रिलेटेड, तो ज़रूर दीजिएगा कि किस टॉपिक्स पे वीडियोस होनी चाहिए। पिछली दफ़ा हम लोगों ने मक्का के ऊपर, मदीना के ऊपर, ज़ियारतों से रिलेटेड ये सारी वीडियोस बनाई थी, इस दफ़ा किस चीज़ पे वीडियोस होनी चाहिए, तो आप लोगों की सजेशंस भी बड़ा मतलब काम करेंगी। और दूसरी बात ये कि रमज़ान में इंशाल्लाह ताला हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोविड के हालात वगैरह नॉर्मल रहे और सब कुछ नॉर्मल रहा इंशाल्लाह बिज़निल्लाह, तो हम उसी तरीके से वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, पैकेजेस होते हैं वो, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले रमज़ान में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सब कुछ किया था आप लोगों की हेल्प से, आप लोग लेके आते थे सामान वगैरह, लेके आते थे सारा कुछ, उसके हम लोग पैकेट्स वगैरह बना के और फिर लोगों को इफ्तार करवाते थे, तो उस तरह भी करने का बिज़्निल्लाह इरादा है। और राशन वगैरह वो सारा जो भी लोगों तक पहुँचाते हैं इंशाल्लाह उसका भी इरादा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उस इनिशिएटिव में मेरे साथ हैं या नहीं है। वैसे होंगे तो ये तो वैसे कोई बात नहीं है पूछने वाली कि नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह रहमान जैसा भी हो ऐसा होगा, रमज़ान से रिलेटेड जो भी होगा वो आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे इसकी वजह यह है कि इंस्टाग्राम पे बड़ा इंस्टेंट कॉन्टैक्ट रहता है, कोई भी किसी को हेल्प चाहिए हो या किसी को हेल्प करनी हो तो वो यहाँ पर बड़ा इंस्टेंट रहता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और अगेन मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जो हेल्प वगैरह होती है वो आप लोग करते हो, आप लोग लेके आते हो सामान वगैरह, जो भी राशन किसी को दिलवाना है वो आप लोग करते हो, मैं पर्सनली नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसका पूरा सहरा मेरे सर दे दो कि ये सारा काम मैं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग करते हो, मैं सिर्फ वसीला बनता हूँ बीच में आप लोगों को कनेक्ट करवाने का। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, और इंशाल्लाह ताला हम लोगों का पूरा इरादा है कि वो पैकेट्स वगैरह बना के और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करें, प्लस राशन वगैरह का काम भी इंशाल्लाह ताला करें। तूने की प्याज हमारी हो गई है लाल, और वो प्याज लाल पता नहीं कैसे होती है, लेकिन बस ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्याज लाल हो चुकी है। तो अब इसमें हम इस वक्त डालेंगे टमाटर। अगेन वही वाली बात है, बारीक बारीक टमाटर की ख्वाहिश नहीं करना क्योंकि आपसे कटेंगे नहीं, बताया था ना बेगम सोरे। इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे शाम का बिहारी कबाब मसाला,
टमाटर कुछ ज़्यादा ही मोटे हो गए, मतलब अब वो ऐसा लग रहा है कि ये घुलेंगे भी नहीं। वैसे तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन कुकिंग करते हुए स्पेशली मुझे ये होता है कि हमारे घर की जो भी माएँ बहनें बेगमात सब जितना कुकिंग करती हैं ना, मतलब और मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मतलब ये जो इसके अंदर से जो चीज़ सारी ये जो तेल उड़ के आता है ना आपके हाथों पे, ये बहुत बहुत ज़्यादा लगता है हमें। लेकिन लेडीज़ को इस चीज़ की बिल्कुल आदत होती है यार, कोई बात नहीं। और ये सिर्फ हमारे लिए करती हैं, मर्दों के लिए करती हैं क्योंकि हमें टाइम पे खाना मिल सके और उसमें उन बीच में उनके हाथ जल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट कि मतलब हमें मतलब उनका मोटिवेशन लेवल गिराना नहीं चाहिए कभी भी ये बोल के यार ये खाने में ये क्या था, फला चीज़ थी, ऐसा था, वैसा था, कुछ भी। एनीवे इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें टूना। तो मैं ये कह रहा था कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं होती, खाना वाना पकाना आसान नहीं होता। अब हम आके बिल्कुल सर पे चढ़े होते हैं कि हम बाहर से काम करके आए हैं, हमने ये किए, हमने बटेर पकड़ लिए और तीतर मार दिए, हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि हमारा हमारा ग्रेवी ज़्यादा हो गई है और टूना कम हो गया। देखो ये छोटे छोटे भंडे होते हैं जो आप कर जाते हो, उसके बाद फिर आपको समझ आता है कि ये देखो ये हो गया, लेकिन बेगमात को माशाल्लाह ये सारी चीज़ें पता होती हैं और आप लोगों को हमेशा परफेक्ट खाना मिलता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही हो जाती है और कहीं ना कहीं कोई कुत्तापना हो जाता है जिसमें आप अपनी बेगमात से कोई गलत बात कह जाते हो, तो बेहतर है कि ऐसा ना करो। छत्ता जो है हॉट सॉस ये वाला, हम इसके अंदर पकते हुए भी डालेंगे और पकने के बाद भी अगर आपका दिल किया तो आप डाल सकते हैं ऊपर से डाल के खाने के लिए, क्योंकि इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लो जी हमारा टूना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। वैसे हमने इसके अंदर किया कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आपकी जो सोच होती है, आपकी जो वाइब्स होती हैं, वो आपके खाने के अंदर आती हैं। तो आई विश कि ये मज़े का बनाओ, क्योंकि मेरी सोच तो बड़ी अच्छी थी इस वक्त खाना पकाते हुए सुबह सुबह। वो सोच ये थी कि मैं बेगम को उठा के तकलीफ़ ना दूँ कि नहीं मेरे लिए खाना पकाओ उठ के, तो आई विश कि मेरा टूना मज़े का बनाओ। अब हम इसमें एंड में डालेंगे हरी मिर्च। तो ये है शक्ल मेरे टूने की करीब से। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको जितना घोटते रहें करते रहें, लेकिन मेरे हिसाब से ये टूना पक गया, क्योंकि ऑलरेडी जो टिन वाला टूना होता है ये हाफ डन होता है, बॉयल्ड होता है मेरे ख्याल से, तो आप इस पर वैसे भी छत्ता डाल के खा सकते हैं, लेकिन ये बस पक चुका है, अब निकालते हैं इसको प्लेट में। तो ख़वातीन हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन और पार्टियों, अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, मुँह में पानी आ रहा है, भूख लग रही है, पहले खाएंगे फिर उसके बाद ब्लॉग ख़त्म करेंगे। अभी आपसे एक बात और करनी है, ठीक है, आए ना पहले खाना खाते हैं, आ जाएँ आप भी, आ जाएँ हाथ धो के आना। लेकिन वो जो आप लोगों को मैंने पहले व्लॉग में बताया था ना कि उठते ही साथ मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाहता, और 10 में से 1 दिन ऐसा होता है उठते ही साथ ऐसा हो रहा होता है कि बस आज मुझे बकरा भी ला दो ना तो मैं वो ख़त्म कर दूँ, तो मेरा आज वही वाला दिन था। उठते ही साथ मुझे टाइट भूख लग रही थी क्योंकि मैं रात का खाना बिना खाए सोया था, क्या खा लिया था पता नहीं, ऐसा जिससे पेट भरा भरा लग रहा था और मैं सो गया। एनीवेज ये समोली है हब की, ठीक है, हब की समोली कैसे, जो वीट नहीं होता, जो आपका क्या कहते हैं उसको, ब्राउन रोटी जो होती है ना उसकी ये समोली है, मतलब जैसे पाकिस्तान में ऐसा बन आता है, तो ये ब्राउन वो है, ये आपको एक तो हेल्दी भी होती है, ठीक है, दूसरा जितने भी मामलात होते हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वो नहीं होने देती, कोई वाली बात है या अल्लाह या नान कटले या जान कटले वाली बात होती है नान खाने के बाद, लेकिन ये अच्छा है। चले मैं खाता हूँ ज़रा और खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। एक वो चीज़ जो बताना ही भूल गया, एकदम से बीच में याद आया, इतना कोई लजीज टूना बना है ना, आह मतलब टेस्ट से भरपूर माशाल्लाह, मज़ा आ गया अपने हाथ से बनाए। एक वजह तारीफ़ की ये भी है, दूसरी वजह यह है कि वाकई में लजीज बना है, ट्राई कर लिएगा आप भी बिल्कुल इसी तरह बना के।
तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात और पार्टियों, ये था हमारा छोटा सा सादा सॉन्ग, खुशबू, बिल्कुल मासूमाना सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ना भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है। और हाँ, मुझे ये इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बड़ा ही कोई घरेलू माहौल होता है, और आपस में हमारी जो डिस्कशन, बातें बातें होती हैं, वो ज़रा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।